बहुत आराम से हमने तो एकदम आराम से अंगूठी निकाल दी। थैंक यू बेटा। हमारे गुजराती में कहावत है, अमुक काम बढ़ती नहीं करती करवा जो, समझा? हाँ समझ गया बापूजी। क्या समझा? यही कि कुछ काम बल से नहीं अकल से करने चाहिए, बराबर ना? हाँ। टप्पू बेटा, अगर इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे ना, तो भारी से भारी कठिनाई में से यूं बाहर निकल सकता है। वाह 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 पापा, क्या बात कही आपने। नहीं नहीं बेटा, ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात किसी जमाने में बापू जी ने मुझसे कही थी। वाह दादाजी, क्या बात कही थी आपने। अरे टपूरा, सिर्फ वाह वाह करने से कुछ नहीं होता, अच्छी बात सुन के उसे याद रख के अपने जीवन में उतारो तो ही उसका मतलब है, वरना इसे देख इसके जैसा होता है, सही टाइम पे ही अच्छी सुनी हुई बात याद नहीं आती। नहीं नहीं दादाजी, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। अच्छा अब मैं निकलूं, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। एक मिनट भाई, नाश्ता किया तो ना? हाँ पापा, मैंने दूध पी लिया है। अरे दूध नहीं, मैं पप्पू जी मैं क्या पूछ रहा हूँ, नाश्ते का पूछ रहा हूँ, बोल रहा है मैंने दूध पी लिया। बेटा नाश्ता किया तूने बेटा? नहीं नहीं पापा, मुझे इतनी भूख नहीं है। अरे अभी भूख नहीं है, लेकिन कॉलेज पहुंचते भूख लगेगी, फिर क्या करेगा तू? चल नाश्ता कर ले। अरे उसे भूख नहीं है तो बिना भूख के वो जबरदस्ती कैसे खाएगा? तू बिना भूख के खाते रहता है ना, इसलिए ऐसा है। टप्पू बेटा तू जा। जी दादाजी। जय जिनेन्द्र दादाजी। जय जिनेन्द्र पापा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। हाँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। सेठ जी, फोन पे हम दोनों बात कर रहे हैं, मेरा भी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो। सेठ जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये फोन हमने क्यों किया है? छुट्टी मांगना? नहीं नहीं सेठ जी। तो बताइए बताइए, सोच के बताइए सेठ जी, एक एकदम खास बात है। खास बात? पगार बढ़ाने की बात है? अरे नहीं सेठ जी, आज हम दोनों ने ऐसा काम किया है कि वो देख के आप खुद ही हमारी पगार बढ़ा देंगे। अच्छा, ऐसा क्या पराक्रम, क्या काम किया तुम दोनों ने? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसे नहीं बताएंगे। क्यों सेठ जी, वो बात एक सरप्राइज है। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की सरप्राइज जानलेवा होती है। नहीं 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 सेठ जी, ये सरप्राइज जान लेवा नहीं, जान देवा है। क्या मतलब? मतलब ये सरप्राइज देखकर आप अपनी जान दे देंगे। क्या मतलब? ये सरप्राइज देखकर आप अपनी जान कुर्बान कर देंगे। क्या? अरे बागा, तू क्या कहना चाहता है? चाहता हूँ नट्टू काका कि सेठ जी, आप हमारी सरप्राइज देखकर हम पर एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या किया है तुम दोनों ने? ना 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 सेठ जी, ये हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे। तो वो सरप्राइज जानने के लिए आपको दुकान में आकर हमसे रूबरू होना पड़ेगा और अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट माय बागा बॉय। And that's right, सेठ जी, कम ASAP, बाय। अरे हेलो हेलो, ये चाचा भतीजा, पता नहीं क्या सरप्राइज होगी, दुकान जल्दी जाना पड़ेगा। छोटी छोटी सरप्राइज हमारे जीवन में हंसी खुशी के रंग भर देती है। वाह भिड़े भाई, क्या सुविचार है। भिड़े भाई, हमारे जग्गू के चेहरे पर भी हंसी खुशी के रंग ला दीजिए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्यों भाई जग्गू, तुम्हारे चेहरे पे हंसी और खुशी लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अरे बोलो, बोल बोल। ओ थोड़ा हिचकिचा रहा है। अरे इस पे हिचकिचाने वाली कौन सी बात है, बोलो ना। भिड़े भाई, वो चाहता है कि उसकी पगार बढ़ जाए। हाँ भिड़े भाई, महंगाई कितनी बढ़ गई है और ये पढ़ाई का खर्चा भी कितना बढ़ गया है। बाकी चीजों को तो मैं किसी तरह संभाल लूंगा, लेकिन ये पढ़ाई का खर्चा, इसके साथ मैं कैसे समझौता करूं? नहीं, मेरी बात बिल्कुल सही है जग्गू, लेकिन तुम्हारे पगार बढ़ाने का निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता। क्या है, मुझे सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सबको पूछना पड़ेगा और सबकी सहमति के बाद ही मैं ये निर्णय ले सकता हूँ। ठीक है भिड़े भाई। वैसे सोसाइटी की सफाई अच्छे से कर रहे हो ना तुम? हाँ हाँ भिड़े भाई, मैं रोज ठीक से साफ सफाई करता हूँ।
आप खुद ही देख लीजिए सोसाइटी कितनी साफ है, आपको कहीं कोई गंदगी और कचरा नहीं दिखाई देगा। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो है जग्गू, तुम बहुत ही अच्छे से सफाई करते हो। क्या है, सफाई अच्छे से ही होनी चाहिए। वो बोलते हैं ना कि जहाँ पे स्वच्छता होती है वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है, आरोग्यम धन संपदा। की क्लास ला रहे हैं जग्गू जी? अरे क्लास नहीं ले रहा हूँ भाई, वो तो सफाई की बात निकली थी इसलिए मैं बोल रहा था कि आरोग्यम धन संपदा वगैरह वगैरह। फिर ठीक है, मुझे लगा सवेरे सवेरे तू जग्गू की क्लास ले रहा है। चलो सवेरे सवेरे हंस लिया, और सवेरे सवेरे हंसने से सारा दिन खुशी में जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या बातें हो रही है? नहीं कुछ खास नहीं, ऐसे ही तरस ऐसे ही हंस रहे हैं। सब लोग एक साथ भाई, क्या कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है ना? नहीं 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 बेटा साहब, कोई टेंशन की बात नहीं, तो सब ऐसे ही प्यार से बातें कर रहे हैं। वो क्या है ना, जग्गू को पगार बढ़ाना है, इसलिए भिड़े भाई से बात करने के लिए आया। बढ़ा दे पिड़ो, जग्गू की पगार बढ़ा दे। नहीं नहीं छोटी, वो पगार नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ा सकता? अरे हमें क्यों भाई? अरे भाई वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, मालिक थोड़ी है कि अपने मर्जी से किसी का भी पगार बढ़ा दे। उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी ना भाई, बराबर ना भिड़े? हाँ बराबर है। ठीक है तो इसको ही मीटिंग समझ लेते हैं, वो मेजॉरिटी सब इधर ही है। ऐसे खड़े खड़े मीटिंग नहीं होती भाई। ठीक है तो बैठ के कर लेते हैं, भिड़ो कुर्सी मंगा। ऐसा नहीं होता है सोड़ी, सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सबको पूछना पड़ेगा। तो सब इधर ही खड़े हैं तो सबको इधर ही पूछ लेते हैं। सबसे पहले मुझसे पूछते हैं। सोड़ी तेनू कोई प्रॉब्लम है? ना जी मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। पप्पू तेनू कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मेहता साहब तानू? अरे नहीं भाई, इस नेक काम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे नहीं भाई, ये जग्गू इतनी मेहनत करके हमारी सोसाइटी को साफ सुथरी रखता है और काफी टाइम से हमारे साथ है, तो उसका पगार बढ़ा तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो जी मेजॉरिटी में सबकी यहाँ है, पिड़ू तेनू कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सोड़ी। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी, आप सबकी सहमति से जग्गू की पगार प्रति महीना 500 रुपए बढ़ाता हूँ। अरे वाह, अच्छी बात। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आभार कैसा जग्गू भाई, आभार तो हमें प्रकट करना चाहिए आपके प्रति। तुम और तुम्हारे साथी सब लोग सोसाइटी को इतना स्वच्छ रख के हमें इतना स्वस्थ वातावरण देते हो भाई। अरे भाई ये लोग सोसाइटी में इतनी सफाई रखते हैं तभी तो हम सब निरोगी रह पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये लोग हमारी सोसाइटी को साफ सुथरी ना रखे तो सोसाइटी में चूहे मच्छर और ना जाने कई जात के कीड़े सोसाइटी में आ जाए, नहीं भिड़े? हाँ हाँ जेठालाल तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे भाई इन्हीं की वजह से हमारी सोसाइटी में मच्छर कीड़े चूहे नहीं है ना भिड़े? बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, मैं ये बात पूरी तरह से मानता हूँ कि हम सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करने में सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझ जैसे सफाई कर्मचारी को इतनी इज्जत दी वो मैं हमेशा याद रखूंगा। आपसे ये बात दूसरे सोसाइटी वालों को भी सीखनी चाहिए। चलिए अब मैं चलता हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चलो ओके जग्गू, चलो चलो मैं भी अपनी दुकान जाता हूँ। चलिए मुझे भी प्रेस के लिए निकलना है, गुड डे भाई। ओके ओके मेहता साहब सॉरी, आज मैं आप लोगों को छोड़ नहीं पाऊंगा, मुझे अर्जेंटली मार्केट जाना है गड्डियों के कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए। चलो भाई मुझे भी ऑफिस जाना है, निकलते हैं। चलो मेहता साहब मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलो चलो चल बेटा। ओके बेटा बाय बाय। नहीं नहीं सफाई काम कहाँ पर। अरे बबीता जी हाय सॉरी, वो भीड़ की वजह से हमारी बात अधूरी रह गई। मेहता साहब एक दो मिनट। जेठा मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। एक काम करो तुम रुको, मैं निकलता हूँ। ठीक है जैसे आपकी मर्जी, अब निकलो वादा नहीं। ठीक ओके बाय। हाँ तो मैं ये कह रहा था बबीता जी कि ये अच्छे संस्कार का सिलसिला हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है, बीच में किसी ने गैप लिया ही नहीं। मैं तो कहता हूँ ये अच्छे संस्कार की चीज ऐसी है कि गैप लेना ही नहीं चाहिए, उसका तो प्रवाह अविरत ऐसे बहते रहना चाहिए। नहीं हाँ जेठिया पप्पू जी आप यहाँ? यहाँ नहीं तो मुझे कहाँ होना चाहिए, दुकान में। मैं दुकान जा ही रहा था बापू जी, लेकिन ओ बबीता जी कह रहे थे कि ओ मैं जो रोज सूरत दादा को जल अर्पण करता हूँ ना, वो मेरी आदत उनको बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उनसे कह रहा था कि ये आदत
बचपन में ही मुझ में बापूजी ने ही डाली है। तो आपकी तारीफ कर रहा था, तो अभी आपकी तारीफ फटाफट तो नहीं कर सकता ना, इसलिए थोड़ा रुक गया। ठीक है, तो तू मेरी तारीफ कर, दुकान मैं चला जाता हूँ, फिर वहां जाके फोन करके तुझे बोलता हूँ कि सरप्राइज क्या है। सरप्राइज के बारे में आपको कैसे पता? अरे अभी नटू का फोन आया था, पूछ रहा था कि तू निकला कि नहीं, तभी उसने बताया। मैं बस जा रहा हूँ बाबू। चलो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, हाँ जय जिनेन्द्र। बबीता जी, ओ बापू जी की तारीफ बाकी है, उधार। ओके ठीक है, बाद में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। ओके बाय। नटू काका से पूछू तो सही, क्या सरप्राइज है, बार बार फोन कर रहे। रिक्शा रिक्शा, पैसा बंदे ले चलेंगे। हाँ साहब बैठिए ना। थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। थैंक यू, पर मैंने किया क्या है? अरे भाई, आप एक ही झटके में अंधेरे आने के लिए तैयार हो गए, वरना सुबह सुबह को रिक्शा वाले ऐसे फटक से तैयार नहीं आते। अब सब एक जैसा नहीं होता ना साहब। हाँ नहीं, ये बात तो आपकी सही है, सब एक जैसे नहीं होते। बबीता जी भी सब जैसे नहीं है, लाखों में एक है। सुबह सुबह उनके दर्शन हुए, इसीलिए तो फटाफट रिक्शा मिलती। अरे साहब, अंधेरी में जाना कहाँ, ये तो बता दो। एन दत्ता मार्ग, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी 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 साहब। नटू काका से पूछू तो सही, क्या सरप्राइज है, बार बार फोन कर रहे। हाँ सेठ जी, कहाँ है आप? हाँ मैं रास्ते में हूँ, रिक्शा में आ रहा हूँ दुकान। ठीक है ठीक है, आपका सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी आइए। ओके हाँ, एक मिनट भाई, वही पूछने के लिए फोन किया है। बार बार तुम लोग फोन करके बोल रहे हो सरप्राइज है सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है भाई, बताओ जरा। अरे सेठ जी, बता दिया तो फिर सरप्राइज क्या रहेगा, अब जल्दी आ जाइए, दुकान में कदम रखते ही आप खुशम खुश हो जाएंगे। नटू काका, जब जब आपने ऐसा बोला है ना कि मैं खुशम खुश हो जाऊंगा, तब मैं खुशम खुश नहीं, खुशम खुश हो गया हूँ। इसलिए मेहरबानी करके बताइए क्या सरप्राइज है, मुझे टेंशन हो रहा है। अरे सेठ जी, टेंशन को खिलाओ पानी पूरी, एक बार आप आ जाओ फिर बात करते हैं पूरी। वाह वाह वाह, ओके सेठ जी। ये चाचा भतीजा कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं आज, और टेंशन को खिलाओ पानी पूरी मतलब क्या? जल्दी दुकान पहुंचना पड़ेगा भाई। अब भाई साहब जरा जल्दी चलाना। जी साहब। नटू काका, मैं तो एकदम एक्साइटेड हूँ। सेठ जी भी आएंगे, ये रिबन खोलेंगे और एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। बागा, मैं भी बड़ी बेसब्री से सेठ जी के आने का इंतजार कर रहा हूँ कि कब सेठ जी आए और कब ये रिबन खींचे। बागा, सेठ जी अभी आते ही होंगे, सब तैयार है ना? नटू काका, सब सुपर डुपर हिट तरीके से तैयार है, सब कुछ एकदम तय है नटू काका। सेठ जी को आके सिर्फ ये रिबन खोलनी है। हाँ बागा भाई, फिर तो हमारी दुकान चलेगी नहीं, उड़ेगी। जूम 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 करके उड़ेगी। चलो नटू काका, बागा आ गया मैं, बोलो क्या सरप्राइज है? बताते हैं बताते हैं। बागा रेडी? रेडी नटू काका। शाबाश, प्यारे प्यारे सेठ जी के पड़ गए कदम। प्यारे प्यारे सेठ जी के पड़ गए कदम। चटाकेदार फायदे का फूटेगा रे बम। चटाकेदार फायदे का फूटेगा रे बम। हरीफाई करने वालों पे चल जाएगी मीठी छुरी। हरीफाई करने वालों पे चल जाएगी मीठी छुरी। जब खरीदो और खाओ ऑफर में, खाएंगे सब पानी पूरी। आएंगे सब पानी पूरी। पाक थैया 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 थई। अच्छा तो ये है आपका सरप्राइज, हवाई का शो करने वाले आप दोनों? नहीं नहीं सेठ जी। तो बताते हैं बताते हैं। सेठ जी जल्दी जल्दी ये रिबन खोलिए। ये क्या है? अरे यही तो सरप्राइज है सेठ जी, जल्दी जल्दी रिबन खींचिए। अरे रिबन बिबिन बाद में भाई, बताना सरप्राइज क्या है। अरे सेठ जी, यही सरप्राइज है। अरे क्या टाइम पास कर रहा है तू बघा। क्या सेठ जी, आप भी? सेठ जी, ये सब हमने आपके कहने पे ही किया है। कल आप हमें ताने मार रहे थे ना,
कि हम लोग दुकान के लिए कुछ करते नहीं है। हाँ, आप कह रहे थे कि हम हमारी दुकान को हमारी दुकान नहीं समझते हैं, तो हम दुकान को हमारी दुकान समझ के मस्त धमाकेदार ऑफर लेके आए और आप उसे टाइम पास कह रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने ऑफर सोच ली? सिर्फ ऑफर के बारे में नहीं सेठ जी, धमाकेदार ऑफर के बारे में। हाँ तो बता बता भाई, क्या है धमाकेदार ऑफर? पानीपुरी। पानीपुरी? ये धमाकेदार ऑफर पानीपुरी का है। क्या मतलब? क्या है सेठ जी, आज का जमाना ऑफर का है। जहाँ देखो वहाँ कस्टमर को आकर्षित करने के लिए कई दुकानदार अलग अलग ऑफर रखते हैं। कोई फ्री में मोबाइल डेटा दे रहा है, तो कोई फ्री में एक किलो आटा दे रहा है। हाँ, टप्पू भी बता रहा था ऑनलाइन पर भी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। तो जहाँ होता है ऑफर, वहीं खींचा चला आता है कस्टमर। इसीलिए हमने हमारी दुकान के लिए एक धमाकेदार ऑफर डिसाइड किया है। क्या क्या? रेडियो लो या मोबाइल, या फिर करवाएं रिचार्ज। आज जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का फायदा करवाएगा, हम उनका फायदा करवाएंगे। कैसे? पानीपुरी खिलाकर। पानीपुरी खिलाकर? हमारी दुकान से कम 100 रुपए की खरीदी करने वाले को हम अनलिमिटेड पानीपुरी खिलाएंगे। कस्टमर को जितनी पानीपुरी खानी हो उतनी कस्टमर पानीपुरी खा सकता है, उसे सिर्फ हमारी दुकान से 100 रुपए की खरीदी करनी पड़ेगी। 100 रुपए की खरीदी पे अनलिमिटेड पानीपुरी? अरे बेवकूफ जैसा ऑफर लेके आए आप दोनों। आज एक प्लेट पानीपुरी की कीमत क्या है? 25 रुपया। और एक प्लेट में कितनी पूरी आती है? 6 पूरी। तो 12 पूरी यानी 2 प्लेट तो कोई भी आदमी खड़े खड़े खा जाए। और 2 प्लेट मतलब 50 रुपया। तो 100 रुपये की खरीदी पे 50 रुपया तो हम अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कमाया क्या? अरे कमाया छोड़ो, ये तो नुकसान का ऑफर है। सेठ जी आप समझे नहीं। अच्छा तो जरा समझाइए, क्या नहीं समझा मैं? एक टीवी या एक वॉशिंग मशीन की खरीदी पर अगर हम अनलिमिटेड पानीपुरी का ऑफर रखेंगे तो थोड़ी कोई कस्टमर दुकान में आएगा। ये 100 रुपए वाली ऑफर कस्टमर को ललचाने के लिए है। एक बार कस्टमर इस ऑफर के बहाने दुकान में आ गया, बस फिर तो कस्टमर है और हम है। 100 रुपए की जगह 5 या 10 हजार रुपए का माल हमें कस्टमर को बेचना कहाँ नहीं आता। लेकिन पानीपुरी ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? बागा एक्सप्लेन सेठ जी, व्हाई पानीपुरी नॉट एनीथिंग एल्स? सेठ जी ध्यान से सुनिएगा, पानीपुरी जिसे कोई कोई लोग पुचका कहते हैं, कोई गोलगप्पा कहता है, तो कोई पकौड़ी कहता है। अरे वो सब मुझे पता है भाई, तो पानीपुरी पे निबंध मत बोल भाई। तू मुझे ये बता पानीपुरी क्यों? ठीक है सेठ जी, तो सुनिए, छोटा हो या बड़ा, मम्मी हो या पापा, दादा हो या दादी, नाना हो या नानी, बुजुर्ग हो या जवान, सबको चटाकेदार पानीपुरी एकदम पसंद होती है। पर सेठ जी, लेडीज तो पानीपुरी की दीवानी होती है। हाँ, और इसीलिए ऑफर में रखी है पानीपुरी। तो मित्रों, अंततः मेरे परम मित्र जेठालाल की दुकान यानी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में सरप्राइज पर जो पर्दा पड़ा हुआ था उठ गया। नटू काकर बाघा ने सरप्राइज का चिराग किसके उसमें से ऑफर का जन्न निकाला है। ऑफर पानीपुरी का ऑफर भाई, उन्होंने ये कहा है कि हमारे दुकान पर जो भी ग्राहक खरीदारी करने आए, जो भी 100 रुपए की खरीदारी करे उसे अनलिमिटेड पानीपुरी खिलाई जाए। ये कमाल की स्कीम है, आपने कभी सुनी? मैंने तो नहीं सुनी। तो ऐसी स्कीम लेके आए दोनों जिसे न कभी देखा गया है न सुना गया, लेकिन जेठालाल अभी तक तैयार नहीं है वो इस स्कीम को लागू करें या न करें, इस असमंजस में है, दुविधा में, न तो उन्होंने हाँ कहा है न अभी तक न कहा है। लेकिन इतना तय है, वो चाहे जो कहे, कमाल होना लाजमी है, क्योंकि नटू काकर बाघा को लगता है ये स्कीम कमाल करेगी, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी इसके बाद। तो अब देखना ये है कि क्या होता है, कि यहाँ जो भी होगा वो ऐसा होगा जो ना आपने देखा होगा ना सुना होगा, क्योंकि स्कीम ही ऐसी है जो ना कभी देखी गई ना सुनी गई। तो अब देखते हैं नटू काका और बाघा का ये जो ऑफर का जिन्न है ये यहाँ क्या गोल खिलाता है। इसके लिए आपको सोमवार को देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.